दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वैश्विक कोरोना महामारी के चलते मंडी जिला से बाहरी राज्यों की ओर प्रवासी लोगों का पलायन करने का क्रम जारी है। बिहार राज्य के लिए ही अभी तक मंडी जिला से 727 लोग पलायन कर चुके हैं। बिहार राज्य के नोडल अधिकारी सुभाष पराशर ने बताया कि रविवार को भी दो निजी बसों के माध्यम से बिहार मूल के प्रवासी लोगों को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि सहायता कक्ष में 5 लोग दिन रात इन लोगों की मदद करने के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अंबाला और पठानकोट तक ही जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन नियमों के तहत किसी भी प्रवासी को बीच रास्ते में नहीं उतारा जा सकता है। इसलिए उन्होंने सभी प्रवासी लोगों से आह्वान किया है कि वह जहां उनका मूल निवास है वहां तक ही उन्हें छोड़ा जा सकता है। कोई 10,000 मांग रहा है आदमी, 55,000 फिर कहाँ से लाएंगे? हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। मोबाइल सोचे हम बेच करके चले जाएंगे, एक आदमी बोल रहा तो पैसे है तुम्हारे पास फिर ले जाएंगे, बोले हम मोबाइल बेच के चले जाएंगे, क्या करेंगे फिर? कोई 10,000 मांग रहा है आदमी, 55,000 फिर कहाँ से लाएंगे? हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। मोबाइल सोचे हम बेच करके चले जाएंगे, एक आदमी बोल रहा तो पैसे है तुम्हारे पास फिर ले जाएंगे, बोले हम मोबाइल बेच के चले जाएंगे, क्या करेंगे फिर? जिसके पास जैसा को आपको विदित है कि मैं बिहार स्टेट्स के जो मजदूर हैं यहाँ पे, उनके फैसिलिटेट करने के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया हूँ मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो हमने अभी तक यहाँ से है कल तक हमने 727 लोगों को बिहार जाने के लिए परमिशन के दिलवाने के लिए हेल्प की है। तो मेनली ये जो मज़दूर हैं जो हम बिहार को भेज रहे हैं, जिसकी कोई अर्जेंसी है, कोई मेडिकल, उसकी फैमिली में कोई मेडिकल कोई अनफिट है या कोई परिवार में कोई बीमार है, तो ये हमारी प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहले हम उन लोगों को फैसिलिटेट करें और हेल्प करें। जैसा कि ये मज़दूर गरीब हैं और इनके पास ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और जाने के लिए पैसा भी कम है, तो ये लोग आपस में मिलजुल के गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, बस किराए पे कोई प्राइवेट गाड़ी हायर करके, तो ये मिलजुल के आपस में एक कॉमन की थोड़ा किराया कम आ जाए उस तरह से ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो जैसे ये अपने आप पास अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमारा काम ये रहता है इनसे कि एक ये हमें फ़ोन करते हैं कि हमने बिहार जाना है और हमारे पास गाड़ी की व्यवस्था है, तो हम इनके इनसे एक फॉर्मेट पे एक परफॉर्मे पे इनकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जिसमें इनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो उसके अनुसार हम पास को इनका अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इस पास को स्टेट जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको पास करती है और उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि जिस जिस का अप्रूव हुआ है, तो फर्दर ये अपनी मूवमेंट उस तरह से करते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।